Hello student, good morning to everybody. Today we will discuss next topic of vectors. पीछे हमने किया था स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। आज हम करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक होता स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट आज है और एक और स्केलर ये क्रॉस डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसमें क्या होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब देखो मीनिंग से समझो, प्रोडक्ट तो करोगे वेक्टर के लेकिन एक स्केलर आएगा और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक वेक्टर ही आएगा। वो किस तरह ये देखेंगे। देखो ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ए डॉट बी क्रॉस सी इस तरह नोट करें। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी बी क्रॉस सी को ए के साथ, या इसको ये लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, या इसका रिवर्स ऑर्डर में चेंज करें। अच्छा इसका रिवर्स ऑर्डर में चेंज हो सकता है आगे पीछे भी। ये हो सकता है दोनों में प्रोडक्ट। अच्छा इसका ये है, ये भी आपने रिवर्स ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं इसका, यानी इसको हम ए डॉट बी क्रॉस सी है तो इसको हम ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। इससे कोई रिवर्स ऑर्डर में इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन यदि इनको आपस में चेंज कर दिया तो माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे बी क्रॉस सी को सी क्रॉस बी लिखते हो तो माइनस का डिफरेंस आएगा हमारे उसमें आंसर में। तो ये देखो सोल्व किस तरह करते हैं वो देखेंगे भी। ए डॉट बी क्रॉस सी उसी तरह यदि इनका प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो कोस थीटा 90 हो जाएगा इसकी, और इसकी मल्टीप्लाई करें तो ए परपेंडिकुलर टू बी सी हो जाएगा। और बी क्रॉस सी होता है ये बी पर भी परपेंडिकुलर होता है और सी पर भी होता है। देखो इसका क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है फाइंड ए बी सी। देखो ये गिवन आपको ए बी और सी, यदि इस क्लोज ब्रैकेट में ए बी सी दे रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा। इसको आप ये लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको ये लिख सकते हो, या इसको ये लिखोगे ए क्रॉस बी डॉट सी। दोनों में से कोई भी इसको लिख सकते हो, साइक्लिक ऑर्डर में इसको चेंज कर सकते हो। तो ये आपको ये होगा ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी, या ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हो। तो हमें ए बी सी गिवन होगा तो उसका मीनिंग ये ही होगा, या ये इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका ए बी सी आया तो उसका मीनिंग ये होता है। अब इस क्वेश्चन में अभी ए बी सी फाइंड ए बी सी वेयर ए इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या गिवन अभी 2i प्लस जे प्लस 3k, बी वेक्टर है वो है माइनस आई प्लस 2j और प्लस k, और सी वेक्टर है उसकी वैल्यू अभी माइनस 3i प्लस j प्लस 2k, ये सी वेक्टर है। तो हमें ए डॉट ए बी सी ये निकालना है। तो ये किस तरह करेंगे भी देखो, इसका करने के लिए ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा भी, पहले तो हम बी क्रॉस सी निकाल लें। बी क्रॉस सी डिटरमिनेंट से पिछले उसमें भी किया था, यहां आई जे के, फिर बी के एलिमेंट लिखेंगे माइनस वन टू वन, सी के लिखेंगे माइनस थ्री वन और टू, ये हमारा बी क्रॉस सी वेक्टर आ जाएगा। इस तरह बी क्रॉस सी निकाल के फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो वो हमारा आंसर आएगा। ये इसको सीधा करना चाहते हैं तो ये भी सीधा करना चाहो, देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, एक बी क्रॉस सी तो एक वेक्टर आएगा और ए के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा स्केलर। तो इसका सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डिटरमिनेंट पहले ए के कोफिशियंट 2 1 3, फिर
फिर बी के कोफिशियंट, बी के कोफिशियंट है -1, 2, 1, सी के कोफिशियंट -3, 1, 2, और इसका डिटरमिनेंट ओपन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी या ए बी सी, ये आएगा हमारा। तो इसका एक्सपेंड करेंगे बाई फर्स्ट रो से तो क्या आएगा, 2 × (4 − 1 − 1), ये रो ये कॉलम का ये मल्टीप्लाई -2 − 1 करोगे +3 और +3 इनटू में ये रो ये कॉलम तो ये मल्टीप्लाई -1 और +6 क्या आ जाएगा भी, ये 4 − 1 = 3, 3 × 2 = 6 माइनस ये बच गया +1 और ये 1 ही आएगा और ये हो जाएगा 5, 5 × 3 = 15 15 और 6 = 21 और -1 करोगे = 20 ये आ जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी है वो क्या आ जाएगा 20। तो इस तरह करना है, और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह के, देखो नेक्स्ट अभी फाइंड ए बी सी, उसी तरह ए बी सी ये फाइंड आउट करना है। गिवन है ए वेक्टर वो है 5i − 4j + k, बी वेक्टर है वो है 4i + 3j − 2k और सी वेक्टर है वो है i − 2j + 7k। हमें ये प्रूव करना भी, देखो किस तरह हुआ, तो उसी तरह हमें निकालना है ए डॉट बी क्रॉस सी तो वो किसके इक्वल आएगा भी? पहले ए के कोफिशिएंट क्या है 5 − 4 = 1, बी के कोफिशियंट है 4 − 3 − 2, सी के कोफिशियंट है 1 − 2 = 7। तो इसका डिटरमिनेंट ओपन करेंगे क्या आएगा, 5 × (21) और -4 है तो +4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 28 और माइनस ये करेंगे तो +2 + 1 ये रो ये कॉलम तो ये कितना आ जाएंगे -8 और 3 − 3, इसका करेंगे तो भी ये आगे 17 ये आगे 85 17 × 5 = 85 प्लस ये हो गया 30 30 को 4 से करोगे 120 और ये हो गया −11 −8 − 3 − 11। अब ये कितने हो गए भी, ये हो गए हमारे पास 205 − 11 यानी 194 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अभी प्रूव दैट, हाँ ये इंपॉर्टेंट अभी देखो ये है IJK, ये इसमें IJK इक्वल टू JKI और इक्वल टू KIJ इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो या तो इसको देखो इस तरह, हमारा जो फॉर्मूला था IJK का मीनिंग क्या हो गया, I·J·K ये हो गया। एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे, पहले अपने फॉर्मूले से देखो, I का मतलब है ये 1 और इसमें एलिमेंट है नहीं तो यानी 0 0, J का मतलब है 0 1 0, K का मतलब है 0 0 1। इसका डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो 1 × में ये 1 − 0 और आगे वाले 0 हो जाएंगे,
ये जीरो आ जाएंगे क्योंकि जीरो कोफिशियंट है। तो फाइनली आंसर आ गया हमारा वन। तो आई जे के हमें किसके इक्वल दिखाना था, वन, तो ये वन आ गया। अच्छा एक देखो, इन तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको प्रूव करना है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, यहाँ आई जे और के, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो ऑर्डर में आई इंटू जे करोगे तो क्या आई लिखोगे, जे इंटू के यानी आई, आई और इंटू में क्या लिखोगे, आई इंटू में जे लिखोगे तो ये लिखना अपने के, आई इंटू जे के, और जे इंटू के लिखोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में भी के, जे इंटू के, जे इंटू के लिखोगे तो वो आई, और के इंटू आई लिखोगे तो वो आ जाएगा जे लिखना है। यदि ऑपोजिट हो गया, आई इंटू के लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो ये माइनस जे लिखना है, यानी आई इंटू जे लिखा है, यदि आई इंटू के लिख दिया तो माइनस जे, और के इंटू में जे लिख दिया तो माइनस आई, और जे इंटू में आई लिख दिया तो माइनस की। बस ये ध्यान रखना है, इस तरह बनाओ क्लॉकवाइज है, आई इंटू जे के, जे इंटू के आई, और यदि ऑपोजिट कर दिया जे इंटू आई तो माइनस के हो जाएगा। तो इसमें देखो हमारे सारे क्या है, ऑर्डर से है, आई डॉट जे इंटू के, जे इंटू के क्लॉकवाइज है, जे इंटू के तो क्या आ जाएगा आई के इक्वल, और आई आई वन आ जाएगा, वन ही प्रूव करना था। इसी तरह ये जे के आई, जे के आई इसको लिख सकते हैं जे डॉट प्रोडक्ट के इंटू में आई, ये लिखेंगे भी। अच्छा के इंटू आई ये किसके इक्वल होगा, के इंटू आई जे के, तो ये हो जाएगा जे इंटू जे और ये वन। इसी तरह इसमें के इंटू आई ये भी हो जाएगा और जे के इक्वल, और जे इंटू जे वन हो जाएगा। इसी तरह करते जाओगे आई इंटू जे के और के की के से। तो इस तरह आप या तो इस तरह डायरेक्ट कर लो या इस तरह बना के इसको ओपन करोगे तब भी वन ही आएगा। इसी में एक एग्जांपल और है वो देखो, फिर समझ में आ जाएगा इनकी मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। नेक्स्ट इसी का भी प्रूव दैट आई के जे इक्वल टू के जे आई इक्वल टू आई आई जे आई के इक्वल टू माइनस वन। इसको भी दोनों मेथड से देखो, पहले तो हमारा जो जनरल मेथड है उससे देखेंगे। इसको क्या लिख सकते हो, भी आई डॉट के मल्टीप्लाई जी, इसको क्या लिखोगे, पहले आई के कोफिशियंट, आई का मतलब वन जीरो जीरो, फिर के है तो जीरो जीरो वन, फिर ये आपका जे, तो यानी जीरो वन जीरो। इसको एक्सपेंड करोगे तो वन इंटू में ये मल्टीप्लाई जीरो, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई वन, और आगे वाले जीरो है, ये जीरो आ जाएंगे दोनों। तो इसका मतलब क्या होगा, आई वन इंटू माइनस वन यानी माइनस वन, और माइनस वन के इक्वल प्रूव करना था। इसी तरह इसका भी प्रूव कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं प्रूव, लेकिन एक कंडीशन है। देखो हम अपना उस मेथड से करते हैं, आई जे के इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, लेकिन हमारे इसमें क्या दे रखा है, आई इंटू के, आई इंटू के एंटी क्लॉकवाइज हो गया, आई इंटू के क्या आ जाएगा माइनस जे, और फिर आपको इसमें जे है ही, जे है ही, या फिर इसका ये देखो, पहले इसका करेंगे के इंटू में जे, तो के इंटू जे एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर आई डॉट के इंटू जे में तो क्या आ जाएगा माइनस आई, और माइनस आई और आई क्या आ जाएगा माइनस वन। इसी तरह इसमें अभी इसमें क्या है, इसको क्या लिखेंगे, के इंटू में ये भी के आई
जे के, ये और ये, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, के डॉट जे क्रॉस प्रोडक्ट आई। अच्छा हमें पता जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जे इंटू आई होगा माइनस के, और माइनस के इंटू के यानी माइनस। तो ये ध्यान रखना भी क्रॉस प्रोडक्ट में एक तो आई इंटू जे क्या आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा के, जे इंटू के क्या आएगा, नेक्स्ट आई, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस साथ लग जाएगा, जिससे हमारा आंसर बन जाएगा। इजी है भाई, कर लोगे आराम से। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फोर्थ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैलोपाइड हुज एज आर, पैलोपाइड है भी उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो ये है ए है, जो उसके एज दे रखे हैं, ए वेक्टर दे रखे हैं 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर दे रखे हैं i प्लस 2j माइनस k, और सी वेक्टर दे रखे है 3i माइनस j प्लस 2k, ये वेक्टर दे रखे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैलोपाइड, पैलोपाइड का वॉल्यूम क्या होगा, वो यही होगा भी a डॉट b क्रॉस c, ये वॉल्यूम ऑफ द पैलोपाइड होगा भी, इस तरह करना a डॉट b क्रॉस c। तो इसका देखो ए क्या क्या है अभी, 2 माइनस 3 4, 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 और 2, ये वॉल्यूम ऑफ दी पैलोपाइड आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका, खोल लेंगे थे वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइड, पैलोपाइड किसके इक्वल आएगा, इसको खोल लेंगे भी फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या आएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा माइनस 1, माइनस 3 है प्लस 3, इसका ये रो ये कॉलम का ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 और माइनस करेंगे तो प्लस 3 प्लस 4, ये रो ये कॉलम का ये मल्टीप्लाई माइनस 1 और माइनस 6, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3 3 2 6 प्लस में ये आ गया 3 2 5 5 3 जा 15 और ये हो गया माइनस 7 माइनस 28, ये हो गया 21 माइनस 28, तो ये किसका इक्वल आ गया माइनस 7, लेकिन वॉल्यूम हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो इसको 7 यूनिट क्यूब में लिख सकते हैं, वॉल्यूम 7 यूनिट क्यूब हो जाएगा माइनस है। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है भी सो दैट द वेक्टर, वेक्टर दे रखे हैं भी सो दैट द वेक्टर आई, ए वेक्टर मान लिया गया यार, ए वेक्टर है आई माइनस 2j और प्लस 3k, बी वेक्टर मान लिए है माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k, और सी वेक्टर है भी आई माइनस 3j प्लस 5k, ये वेक्टर है आर कोप्लेनर, कोप्लेनर कोप्लेनर क्या होता है भी, जिनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ जाए, जिनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाए जीरो, तो उसको हम क्या कहेंगे कोप्लेनर, समझ गए ना, कोप्लेनर की डेफिनेशन क्या होगी, हुज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, देन वी से दैट दैट इज ए कोप्लेनर वेक्टर। तो ये देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये निकालते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी निकालेंगे पहले, तो क्या लिखेंगे, ए में क्या है अभी हमारे कोफिशियंट 1
माइनस टू थ्री, बी के कोफिशियंट क्या है माइनस टू थ्री माइनस फोर, और सी के हैं वन माइनस थ्री फाइव। ये इनका एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट रो तो क्या आ जाएगा वन इन टू में फिफ्टीन और माइनस में टू है, माइनस टू करें तो प्लस टू फर्स्ट रो ये कॉलम गए तो ये कितना आ गया माइनस टेन, और इनकी करोगे तो प्लस फोर, प्लस में थ्री ये करोगे तो ये और ये आ जाएंगे माइनस वन प्लस सिक्स और माइनस थ्री, या तो ये कितने हो गए भी थ्री प्लस ये माइनस सिक्स तो माइनस के टू है, और प्लस में ये कितने हो जाएंगे थ्री थ्री इंटू थ्री नाइन, यानी ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो ये ए बी सी जो वेक्टर वो क्या हो गए भी कोवलिनेट, जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो वो वेक्टर क्या कहलाते हैं भी कोवलिनेट। तो ये हो गया भी कोवलिनेट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कोवलिनेट क्या होगा, ये कोवलिनेट का ध्यान रखना भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कोवलिनेट वेक्टर है या ये कोप्लेनर है तो प्रूव करो कि कोप्लेनर है या नहीं है, या कोप्लेनर है तो लेमडा की वैल्यू निकालो, किसी भी वेक्टर में लेमडा दिया होगा तो ये अच्छी तरह याद होना चाहिए कोप्लेनर होता क्या कि उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए जीरो, जीरो आ गया तो क्या आती है वो स्केलर हुआ आपका कोप्लेनर। नेक्स्ट में भी फोर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द वेक्टर आर कोप्लेनर, कि लेमडा की क्या वैल्यू होगी ये वेक्टर क्या हो कोप्लेनर। देखोगे 2i a वेक्टर 2i माइनस जे प्लस लेमडा के, b वेक्टर है भी i माइनस जे प्लस 2k, और c वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस k। यदि ये तीनों वेक्टर क्या है कोप्लेनर है तो वैल्यू हमने लेमडा की फाइंड आउट करनी है। देखो किस तरह लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हमें पता है कि कोप्लेनर है ये तीनों वेक्टर के इनका डिटरमिनेंट क्या आएगा जीरो के इक्वल, तो निकालेंगे भी ए डॉट बी क्रॉस सी वो किसके इक्वल होगा, इसके वो लिखो भी कोफिशियंट क्या है ए के टू माइनस वन लेमडा, बी के कोफिशियंट है वन माइनस वन टू, और सी के हैं थ्री माइनस टू और वन, और कोप्लेनर है इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। इसको एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट रो तो क्या आएगा टू इन टू में ये रो ये कॉलम का ये मल्टीप्लाई माइनस वन और ये प्लस फोर, माइनस करें तो प्लस वन ये कैन ये हो जाएंगे वन माइनस सिक्स और प्लस लैम्डा, लैम्डा करेंगे कि क्या आ जाएगा अभी माइनस टू और प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या आ जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स और ये आ जाएगा माइनस फाइव और ये आ जाएगा अभी वन बचेगा प्लस में लैम्डा इक्वल टू जीरो, यानी वन प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो लैम्डा इक्वल टू वन। यदि लैम्डा की वैल्यू वन पुट करते हैं हम और फिर डिटरमिनेंट निकाल तो इसका आंसर क्या आएगा जीरो, यानी कोप्लेनर। तो कोप्लेनर कब होंगे जब लेमडा की वैल्यू क्या होगी भी वन। ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अभी पहले ये देखो प्रूव दैट, अभी प्रूव दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी माइनस सी क्रॉस प्रोडक्ट सी माइनस ए इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करके दिखाना भी तीन की वैल्यू है वो इसके इक्वल जीरो के इक्वल, ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो है। तो पहले देखो इसका किस तरह सोल्व करेंगे, देखो इसको क्या लिखेंगे भी ए माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट,
अब इसका करेंगे, पहले B का इसके साथ करेंगे, B क्रॉस C आ जाएगा, ये ही आएगा। फिर B का इसके साथ करें तो माइनस B क्रॉस A, ये देखो B क्रॉस A लिखना, ये क्रॉस B लिखो तो साइन चेंज हो जाएगा। B की दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, अब C की करेंगे इसके साथ तो माइनस C क्रॉस C, और इसके साथ करें तो माइनस माइनस प्लस C क्रॉस A, ये आ जाएगा। तो ये आएगा A माइनस B और डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A और माइनस ये C क्रॉस C जीरो होता है, तो C क्रॉस C क्या होगा जीरो, क्योंकि तो दोनों के बीच में एंगल कितने का है जीरो का, यानी साइन थीटा, और साइन थीटा जीरो का ये सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि तो C क्रॉस C का मतलब है मोड C साइन थीटा, और दो C और C के बीच में एंगल एक दूसरे को कॉइंसाइड है, यानी जीरो होगा, तो ये सारा ही जीरो हो जाएगा। तो C क्रॉस C क्या होगा जीरो, तो प्लस में रह जाएगा C क्रॉस A। अब इसका निकालेंगे, इसके साथ करेंगे एक डॉट प्रोडक्ट, इसको ये लिख सकते हैं A डॉट B क्रॉस C। अच्छा, फिर A का इसके साथ करेंगे तो माइनस A डॉट B क्रॉस A लिख सकते हैं। फिर A का इसके साथ करेंगे तो प्लस में क्या लिख देंगे A डॉट C क्रॉस A, ये लिख दिया। माइनस बी का इसके साथ करेंगे तो माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी, और माइनस बी का इसके साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस तो प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए, और अगले के साथ करेंगे तो माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए, इस तरह लिख लिया। अच्छा एक और देखो भी B डॉट B क्रॉस C, ये तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं B क्रॉस B डॉट C, लिख सकते हो ना, तो ये होगा। और B क्रॉस B के इसी तरह C क्रॉस C में जीरो होगा, तो B क्रॉस B भी क्या आ जाएगा जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें भी B डॉट B आएगा ये भी जीरो हो जाएगा, इसमें भी A डॉट A आएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गए भी। और देखो किस में क्या है, ये A डॉट A इसमें भी आएगा तो ये भी जीरो होगा, तो ये क्या बच गया A डॉट B क्रॉस C, और यहां से क्या बच गया माइनस B क्रॉस B डॉट और C क्रॉस A, ये बच गया भी। आप देखो हमने तो साइक्लिक ऑर्डर में यदि चेंज करते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, यानी इसको हम A डॉट B क्रॉस C लिख दिया, या इसको चेंज करते तो B आगे ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा B डॉट, ये आ जाएगा C आगे और A पीछे चला जाए क्रॉस A, माइनस B डॉट C क्रॉस A, इस तरह भी लिख देंगे। तो B डॉट C क्रॉस A और माइनस B डॉट C क्रॉस A दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा जीरो, और ये इंप्रूव करना, इस तरह समझ आएगा ठीक है ना। कि ये देखो A डॉट B क्रॉस C को हम क्या लिख सकते हैं भी A B C, और B C A को इसको लिख सकते हैं B C A माइनस, तो ये तो हो गया A B C, और इसको चेंज कर दिया साइक्लिक ऑर्डर में तो ये क्या आएगा A पहले आ जाएगा, A की जगह C चला जाएगा, C की जगह B आ जाएगा, A B C इस तरह भी कैंसिल करोगे तब भी जीरो आ जाएगा, तो इस तरह ये हो जाएगा भी प्रूव वाला। तो भी ये है कंप्लीट एक्सरसाइज, इसी बेस पर होनी है भी, तो इसको कर लेना, प्रॉब्लम है तो भी पूछना। थैंक यू भी।